केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग एस ब्लॉक के टॉपिक को कवर करेंगे। एस ब्लॉक में दो फैमिलीज आ जाती हैं, एल्कली और एल्कलाइन। तो हम लोग अभी एल्कली मेटल्स को देखेंगे। आपको हम 22 पॉइंट्स देंगे, 22 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आप एस ब्लॉक के एडवांस लेवल तक के सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर पाओगे, इंक्लूडिंग बोर्ड्स। तो सबसे पहले जो पहला पॉइंट है वो है फिजिकल स्टेट, इस ब्लॉक के एलिमेंट्स का फिजिकल स्टेट। ठीक है, तो बहुत सारा कुछ नहीं पढ़ के, बस ये पांच डॉट्स आप पढ़ के चलो, ये पांच पॉइंट्स आप देखो फिजिकल स्टेट में, और बहुत सारा कुछ आपको नहीं पढ़ना है। हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट्स को क्लियर करते हैं। पहला जो इसमें बोला गया है वो बोला गया है कि वन इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट सेल, मतलब इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो होगा वो होगा NH1, है ना। तो आप इस ब्लॉक में देखो क्या क्या आते हैं। तो इस ब्लॉक में आपका हाइड्रोजन है, लिथियम है ना, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है और फ्रांसियम है। एक बात हम यहां पे क्लियर कर दे, हाइड्रोजन एक इस ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, इस ब्लॉक का एलिमेंट हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन ये 1A में होता है, इसलिए हम इसको साथ में रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सिर्फ दिखाने के लिए। फिर ये हट जाएगा यहां से, इस ब्लॉक से ये चला जाएगा। हाइड्रोजन एक अलग ही अपना पूरा फैमिली कैरी करता है, फैमिली का एक लौता मेंबर, सब कुछ वही है। तो अगर आप कॉन्फ़िगरेशन देखो तो आप क्या देखोगे कि ये पहले पीरियड से, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां, है ना। पिछले के वीडियोस में आपको हम बताए हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कभी भी अगर लिखना है तो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आप हमेशा एक ट्रिक का यूज करें। पहला बात, दो बातें आप ध्यान में रखें। पहली बात जिसमें आपको हम बता रहे हैं कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर, ध्यान दो बात को, ध्यान से सुनो, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का नंबर पीरियड के नंबर के इक्वल होता है ना। मतलब कि जिस पीरियड से एलिमेंट बिलोंग करता है उसके आउटर मोस्ट जो ऑर्बिट है उसका नंबर इसी पीरियड के नंबर के इक्वल होता है। और दूसरा कौन सा बात आपको ध्यान रखना है कि उस पीरियड का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। जैसे कि यहां पे बताया गया है कि एल्कली मेटल्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 होता है, और N क्या है यहां पे, नंबर ऑफ ऑर्बिट, नंबर ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट का नंबर क्या है। ठीक है, N बताया गया है। तो क्या बात की हम लोग कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो नंबर है वो पीरियड के नंबर के इक्वल होगा। तो पीरियड का नंबर है 1 और S1 इसका कॉन्फ़िगरेशन है, देखो 1s1 है ना, 1s1 इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें एक ही ऑर्बिट होता है इसलिए 1s1 है। अगर लिथियम का कॉन्फ़िगरेशन हमको लिखना है तो क्या हो जाएगा, सेकंड पीरियड से बिलोंग करता है राइट, और इसका S1 जनरल कॉन्फ़िगरेशन है, तो आप क्या लिख दो, 2s1, ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट का कॉन्फ़िगरेशन है। ये 3 है तो क्या कर देंगे, जी हाँ बिल्कुल, 3s1। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये फोर्थ पीरियड से बिलोंग करता है पोटेशियम, तो पोटेशियम का आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, बिल्कुल 4s1, इसके बाद 5s1, फिर 6s1 और फ्रांसियम तक आते आते 7s1। तो समझ में आया कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा। तो ये होता है तुम्हारा आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख लेना। अब इसमें देखो बोला गया है NS1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 है, तो देखो सबका आया ना, S1 सब में आ गया ना, और N की जगह का हम लोग आउटरमोस्ट ऑर्बिट का नंबर बैठा देंगे। आउटरमोस्ट ऑर्बिट का नंबर हमेशा पीरियड के नंबर के इक्वल होता है, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में रखो। ठीक है, ठीक है। दूसरा बोला गया है फ्रांसियम, तो फ्रांसियम है इसमें रेडियो एक्टिव होता है भाई, ये जो है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है ना। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपको ये जान के रखना है फिजिकल स्टेट में कि फ्रांसियम जो है वो रेडियो एक्टिव है। अब रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने से क्या होगा कि फर्दर जब आप स्टडी करोगे इस ब्लॉक का, आगे के टॉपिक्स में जब आप पढ़ोगे, तो फ्रांसियम को हम लोग हटा के रखेंगे, इसको हम लोग सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग से पढ़ेंगे। हम लोग जो भी कैरेक्टर्स पढ़ेंगे वो लिथियम टू सीजियम पढ़ेंगे, है ना। एक और बात आप जान के रखना, थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स ऑफ थर्ड पीरियड ऑफ एनी फैमिली, ठीक है, किसी भी फैमिली का थर्ड पीरियड का जो एलिमेंट होता है
इसको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, इसको टिपिकल एलिमेंट कहते हैं। अब टिपिकल एलिमेंट क्यों भाई, हम क्यों जान के रखे टिपिकल एलिमेंट कहते हैं, लेकिन हम क्यों जान के रखे? तो इसलिए जान के रखे कि कभी भी जब आप पढ़ने जाओगे किसी भी फैमिली को, तो सेकेंड पीरियड में आपको एक मिलेगा और थर्ड पीरियड में आपका एक एलिमेंट होगा। यही दो पीरियड के एलिमेंट को आपको पढ़ना है। ये कुछ एनामेलस बिहेवियर शो करेगा, कुछ एक एनामेलस बिहेवियर शो करेगा। अब एनामेलस बिहेवियर शो करने का बहुत सारा रीजन होता है। अगर हम लोग सीधा सीधा बात करें तो दो मेन रीजन होता है, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना, स्मॉल साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और एक और अगर उसमें ऐड कर दे तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। ये तीन रीजन की वजह से मोस्ट ऑफ एनामेलस बिहेवियर आ जाती है। तो सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स एनामेलस बिहेवियर को शो करते हैं, और थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स होते हैं इन ये टिपिकल एलिमेंट्स कहलाते हैं। और टिपिकल एलिमेंट्स का जो कैरेक्टर होता है, नीचे के सारे पीरियड्स के एलिमेंट का कैरेक्टर सेम होगा। जैसा थर्ड पीरियड का एलिमेंट का केमिकल बिहेवियर होगा, नीचे वाला 4, 5, 6 का केमिकल बिहेवियर वैसा ही होगा। अब केमिकल बिहेवियर की बात करिए तो देखो फिर फ्रांसियम तो रेडियो एक्टिव है ना, इसके जैसा केमिकल बिहेवियर शो नहीं करेगा, इसलिए फ्रांसियम को हम सेपरेटली पढ़ेंगे, अलग से। क्लियर है सेकेंड पॉइंट, एकदम गुड। थर्ड है, बोला है ऑल आर सिल्वरी व्हाइट, तो कुछ बोलने की जरूरत है नहीं, सिल्वरी व्हाइट है सभी। फोर्थ में बोला है कि लाइट सॉफ्ट मेलिएबल डक्टाइल मेटल्स एंड विथ मेटलिक लस्टर, ठीक है। तो लाइट है, हल्के होते हैं, लाइट सॉफ्ट है, ये लोग मेलिएबल है ना, मतलब थोड़ा लचीलापन होता है इन लोगों के अंदर में, है ना, मतलब बोल सकते हैं हम लोग ऐसे कि इन लोगों का जो इलास्टिसिटी थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा लचीलापन होता है इन लोगों के अंदर में, ऐसे मोड़ से मोड़ सकते हो, कोई चाप नहीं आएगा इसके ऊपर, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो थोड़ा मैलिएबल नेचर का है ना, लचीलापन है इसके अंदर। डक्टाइल है, ठीक है, डक्टाइल है, डक्टाइल है मतलब क्या है, सॉफ्ट है, थोड़ा सा हल्का सॉफ्ट है ना, हल्का सा सॉफ्ट है, ऐसे तार के जैसा बना सकते हो उसको, ठीक है, ऐसे पकड़ो तार के जैसा खींच दो, ठीक है। तो डक्टाइल नेचर का है ना। और इसके बाद मेटलिक लश्यर होता है इनके अंदर, थोड़ा चमकीलापन होता है। तो ये तीन कैरेक्टर्स देखते ही तुम दूर से बोल दोगे कि, या फिर दूर से नहीं तो हाथ में लेके तो बोल ही दोगे कि ये अल्कली मेटल है, कैसे बोल दोगे ना, कैसे बोलना है भाई, कि मैलिएबल सॉफ्ट होगा, हार्ड नहीं होगा, मैलिएबल होगा, थोड़ा सा उसके अंदर इलास्टिसिटी होगा, लचीलापन होगा, डक्टाइल नेचर का होगा, ऐसे खींचोगे तो लंबा होने लगेगा तार के जैसा, और चमकीला होगा। अब इतने के बाद तो कोई भी बता दे कि भाई ये क्या है, ये अल्कली मेटल है, ठीक है। और अल्कली मेटल्स जो होते हैं उसके आयंस डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, है ना, समझते हो, डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक, मैग्नेट 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 के साथ इन लोगों का बिहेवियर होता है, तो डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक और कलरलेस होते हैं, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट आप जान के रखो फिजिकल प्रॉपर्टीज में, और आपको बहुत ज्यादा इसमें जानने की जरूरत है नहीं, ठीक है। चलो फिर ये पहला हो गया, अब ऐसा 22 पॉइंट्स देखना है। ओके बाय।